अश्विन जी, जैसे कि हम देख रहे हैं कई सालों से आप मल्टी टैलेंटेड उभर के आए हैं, गीतकार हुए, संगीतकार हुए, एक्टर हुए, लुक की बात करें और पता नहीं क्या क्या प्रतिभाएं आपके लिए आने वाले हैं, तो क्या क्या आपने छुपा के रखा टैलेंट है? टैलेंट तो हर एक इंसान के अंदर होता है। एक्चुअली मैं ये कहता हूँ कि मौके छोड़ने नहीं चाहिए। अगर आपको अच्छा मौका मिल रहा है, अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है और आप उसमें कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो आपको बिल्कुल वो काम करना चाहिए। और ये एक चैलेंज होता है एक आदमी के लिए कि पर्टिकुलर एक सेक्टर से आप दूसरे सेक्टर में जब जाते हैं तो बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है आपको। तो मैं उन्हीं सब चुनौतियों से लड़ रहा हूँ, जूझ रहा हूँ, खेल रहा हूँ, जिसमें सबका आशीर्वाद, प्यार और पूरी मीडिया का सपोर्ट है। और बस यही इतना सा कहानी है कि कई सारे काम करते नजर आते हैं। तो इसी में एक और काम जोड़ गया, फ्राट नगर बसाने का, क्या करें उसमें? क्या इसमें तो मुझे हमारे गुरुदेव ने मुझे दो जिम्मेदारियां दी हैं, एक तो म्यूज़िक की और दूसरा एक करेक्टर भी दिया है मेरे लिए कि उसमें आपको एक्टिंग भी करनी है। तो मैं बहुत ही ज़्यादा प्राउड फील कर रहा हूँ कि एक म्यूज़िक डायरेक्टर को भी इस काबिल समझा जा रहा है इस इंडस्ट्री में। और इसका एक ग्रोथ जो होता है कि अपने सेक्टर का, अपने पोजीशन का, वो बढ़ रहा है। और मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये प्राउड नगर, क्योंकि इसका एज ए म्यूज़िक डायरेक्टर भी काम कर रहा हूँ कबीर जी के साथ और इनके गाने हैं, और इसमें एक करेक्टर करना, तो स्क्रिप्ट के बहुत साइड ना होकर के एकदम अंदर से बीच से गुजरना पड़ रहा है, लेकिन रात रात भर कबीर जी और हम लोग मेहनत कर रहे हैं और हो सकता है इसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिले, लोगों को मेहनत पसंद आए, क्योंकि कॉमेडी फिल्में एक रिस्क टाइप के लोग मानते हैं कि बहुत रिस्क है, किसी को हंसना पसंद होता है, किसी को नहीं पसंद होता है। तमाम दर्शक हैं, जैसे किसी को अपनी सीरियस चीज़ें पसंद होती हैं, किसी को रोमांटिक फिल्में पसंद होती हैं, किसी को कॉमेडी। तो ये फिल्म हम लोग के दर्शक जो हैं, मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि अगर बने और अच्छी लगे तो इसको प्रमोट जरूर करें और पसंद जरूर करें। जी, बात करें जैसे कि आपकी और प्रीतम जी की जोड़ी है गीतकार संगीतकार की, जी ये जोड़ी हमेशा एक फिल्म में देखी, चाहे हेलो फोन हो, चाहे विपरीत टाइम में लवंडिया लंदन चलाएंगे, बच्चे बच्चे की जुबान पे है। हाँ, लवंडिया लंदन चलाएंगे, 250 मिलियन प्लस जा रहा है। और इस गाने के लिए मैं मीडिया के सामने भी कबीर जी का धन्यवाद करूंगा कि मेरे खाते में एक और हिट इन्होंने जोड़ा। और इस टीम से जुड़े सभी लोगों को दिल से धन्यवाद, सबको बधाई हो और पूरी मीडिया को धन्यवाद जिन्होंने इस चीज़ को इतना बढ़ाया। थैंक यू सर। अब जो ये जोड़ी गीतकार संगीतकार, अब डायरेक्टर और एक्टर की भी जोड़ी बन गई है, ये भी सिलसिला।